झांसी से प्रारंभ हो चुका है। सेफ सिटी और आईटीएमएस के अंतर्गत यहां पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। ऑटो मोड पर सारी चीजें, सारा ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई देगा। लोगों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। किसी चोर उचक्के अपराधी का दुस्साहस नहीं कि वहां चलते हुए किसी व्यापारी को, किसी बेटी को छेड़ सके, क्योंकि जैसे उसने तो साहस किया वो कैमरे में कैद हो जाएगा और कंट्रोल रूम अगले चौराहे पर पहले से पुलिस को सूचना देगी और जब तक ये अपराधी वहां तक पहुंचता तब तक पुलिस उसका साहस के लिए काम तमाम कर चुकी होगी। अभी मैंने 22 को यानी 22 तारीख परसों ही इसका कंटेन रेजर का शुभारंभ किया था। दिल्ली में जाकर के कई देशों के राजदूत आए थे, कई उद्योग संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी आए थे, कई दुनिया के देशों से जुड़े हुए अन्य ऐसे लोग जो इस फील्ड में रुचि लेते हैं, उन लोगों ने उसमें भागीदारी की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ ही किया है, हमें 1,25,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अभी से निवेश के प्राप्त हो चुके हैं। और मेरे लिए प्रसन्नता होगी जब हमारा व्यापारी, हमारा उद्यमी, हमारा आम नागरिक इसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसके द्वारा ली गई रुचि, उसके द्वारा कही गई अपनी बात, नीति शास्त्री जी जो अपनी बात यहां पर मंच से कह रही थी, अगर इसी प्रकार की बातचीत अगर हम लोग मंचों से कहना प्रारंभ कर देंगे, स्वाभाविक रूप से 25 ऐसी नीतियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार की हैं और पॉलिसीज बनाई हैं, जिसमें निवेश की संभावनाओं के साथ सरकार का इंसेंटिव भी उन्हें प्राप्त होगा और ये सभी ऑनलाइन होगा। मुझे लगाइए, आवेदन करिए, आवेदन करने के साथ ही सारी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ेगी। आपने अपना उद्योग लगा लिया, उद्योग लगने के साथ ही आपने इंसेंटिव लेने के लिए भी आवेदन कर लिया, अपने आप ही ऑटो मोड पर पैसा आपके खाते में अपने आप आ जाएगा, तो सरकार का पैसा आपको प्राप्त होना है। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं रह सकता, बीच में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। और मेरा मानना है अभी को जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिकतर निवेश होगा, मेरा मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के अपने उद्यमियों से, ये 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश तो केवल उत्तर प्रदेश का उद्यमी ही उत्तर प्रदेश यहां लखनऊ में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकता है, और जिसमें खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जितनी भी 25 की 25 पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की है, इन 25 में सबसे अधिक रियायत हम लोगों ने बुंदेलखंड में निवेश करने वालों को दिया है, सबसे अधिक रियायत हम लोगों ने दिया है। और भाइयों बहनों, मैं चाहूंगा उस दिशा में उस नए कार्यक्रम के साथ अगर हर व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करेगा, मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि वे भी प्रोत्साहित करें, सभी उद्यमियों से कहूंगा हमारे लिए एक स्कूल बनना भी निवेश है, हॉस्पिटल बनना भी निवेश है, नर्सिंग और फार्मेसी का कॉलेज बनना भी निवेश है, कन्वेंशन सेंटर बनाने वाला भी निवेश है, और परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाना, यहाँ पे वैद्यनाथ का पहले से ही काफी अच्छा कार्य है और मुझे लगता है उसका विस्तार भी एक नया निवेश होगा। एमएसएमई सेक्टर में बार संभावनाएं हैं, इन सभी को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मैं देख रहा था एक दिन बांधा का जो पत्थर है, तनिष्क को उसके साथ एमओयू कर रहा है और फिर उसको भी अब इंटरनेशनल ब्रांडिंग मिल रही है। आप सोचिए, जिसको हम एक सामान्य पत्थर मान लेते थे, आज उसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हो रही है, लोग उसको किस रूप में महत्व दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी संभावनाएं यहां पर मौजूद हैं।
और उन संभावनाओं के लिए आपका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं विशेष रूप से आया हूं कि हम लोग मैं आपको इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, साथ ही जिला प्रशासन के समस्त लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यतापूर्ण संपन्न कराने का अपना प्रयास किया। जय हिंद जय भारत। योगी जी की डुप्लीकेट कहाँ गया? माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हुआ और झांसी को ढेरों सौगातों से आपने नवाजा है। जितने भी लोग यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं, सबसे निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। जलपान की व्यवस्था है जो आपको आपके स्थान पर ही प्राप्त करा दिया जाएगा। आपकी शीर्ष तक लंच बॉक्स, लंच के पैकेट मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई देगी तो भाइयों बहनों विकास और बुनियादी सुविधाओं की गति को और तेज करने में मदद मिलेगी। अब वो समय गया कि स्थानीय निकाय कोई और, राज्य कोई और, केंद्र कोई और, आपस में ही तालमेल न हो तो विकास को बाधित होगा। इसलिए समन्वय और तारतम्य का प्रिय है, उसके लिए स्थानीय निकाय, राज्य और केंद्र तीनों जब एक विचारधारा के लोग हों तो विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और उसके लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि राज्य सरकार विकास के इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ आपके साथ मिलकर के कार्य करेगी। हमारे जनप्रतिनिधिगण पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संवेदनशील तरीके के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी का मैं समन्वय सहयोग चाहूंगा कि आप सभी भी इसमें रुचि लें और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए जिसने अपने घर की छत में ही अपना किचन गार्डन के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करने का कार्य इसी बुंदेलखंड की धरती पर किया, यह कार्य बुंदेलखंड में सब कुछ हो सकता है। लेकिन उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के जिससे पहले सरकारें तैयार नहीं थी, आज सरकार का थोड़ा प्रोत्साहन मिल जा रहा है तो वही संभावनाएं उभर करके सामने आ रही हैं और बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिला रही है। और भाइयों बहनों उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में प्रदेश का एक और इन्वेस्टर समिट आयोजित किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश और दुनिया का हर निवेशक उस दिन लखनऊ में रहेगा और लखनऊ में रह करके प्रदेश में व्यापक रूप से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए के कार्य प्रयास में भी अगर हमारे स्थानीय प्रबुद्धजन योगदान दे सके तो भाइयों बहनों हमारे नगर निकाय देश के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं और उस मॉडल को प्रस्तुत करने के समय हम सब मिलकर के कार्य आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज झांसी के सभी प्रबुद्धजनों को, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, अपने सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के एजेंडे को राज्य सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने में रुचि ली। आज इसी का परिणाम है बुंदेलखंड तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के विकास की एक नए प्रतिमान को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन असीम संभावनाओं को, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वह शासन के जुड़े हुए यहाँ पर औद्योगिक निवेश का हो,
चाहे यहाँ की बेहतरीन कनेक्टिविटी का हो, चाहे यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ के विकास में उपयोग करने को लेकर के हो, इन सभी को हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी झांसी वासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः गठित करने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को आज 322 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राज्य सरकार सुरक्षा का बेहतर माहौल आपको देगी। राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है। राज्य सरकार ने बेहतरीन कनेक्टिविटी दी है। ये वही प्रदेश है जहां पर पहले कनेक्टिविटी का मतलब सड़कों के गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते थे, बिजली नदारद रहती थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, हर दूसरे दिन दो तीन बड़े दंगे हो जाते थे। लेकिन आज प्रदेश दंगा मुक्त, प्रदेश एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। प्रदेश में यह कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और शीघ्र हम लोग चित्रकूट का एयरपोर्ट भी प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर उन सभी संभावनाओं को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं जो प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को और तेज कर सके। लेकिन इसमें रुचि देनी पड़ेगी प्रदेश के उद्यमियों को, व्यापारियों को, हर एक तबके को। मैंने जो कहा कि किसी भी उस सेक्टर में और उसको रोजगार के साथ जोड़ना, हर एक व्यक्ति को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ना, अगर हम ये कार्य कर लेते हैं तो भाइयों बहनों बुंदेलखंड एक बार फिर से, जो बुंदेलखंड जिसमें असीम संभावनाएं हैं, उस असीम संभावनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड में आप सभी प्रबुद्ध जन रुचि लेकर के अपने अनुरूप योजना बना करके आप प्रशासन को दीजिए, जनप्रतिनिधियों को दीजिए, प्रशासन शासन को उपलब्ध कराएगा और हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर 322 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, ये अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, सड़क से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, नगरीय विकास से जुड़ी हुई भी है, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं, अमृत योजना से जुड़ी हुई भी योजनाएं भी है, विकास के इन तमाम अन्य संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली है। आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त देने के लिए नगरीय क्षेत्रों की तस्वीर को बदलने का काम स्मार्ट सिटी मिशन ने किया है। 2017 के पहले जब झांसी में आते थे नगर निगम में गंदगी देखने को मिलती थी, नगर निकायों में व्यापक गंदगी देखने को मिलती थी, लेकिन आज स्वच्छता के एक मानक को तय किया है झांसी ने भी, अन्य नगर निकायों ने भी, इसमें और बेहतरीन करने की आवश्यकता है, हम भी मानते हैं। लेकिन उसके लिए जब इन नगर निकायों में भी केंद्र और प्रदेश सरकार के तरह डबल इंजन की सरकार के साथ साथ सुरक्षा का माहौल देना इस सरकार का काम है। और भाइयों बहनों पिछले 5 वर्षों के अंदर आप सबने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन रहा, आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, प्रदेश में अराजकता नहीं, प्रदेश में गुंडागिरी नहीं। और पहला चुनाव था आजादी के बाद का जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा गया, ये पहली बार हुआ है। एक कारण है, जनता जनार्दन स्वयं जब ठान लेती है तो वह कुछ भी तय कर सकती है। और प्रबुद्ध समाज इस ओपिनियन मेकिंग के लिए हमेशा जब तैयार अपने आप को करता है तो समाज उस सकारात्मक और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ता है। वही विकास, विकास की सोच जो हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी, उसी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि ईज ऑफ लिविंग के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इसमें हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत की उपलब्धता हो, हर गरीब के पास शौचालय की सुविधा हो,
हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास विद्युत का अपना कनेक्शन हो, हर जरूरतमंद वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो, हर निराश्रित महिला को विधवावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो, हर दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से जोड़ करके उसको व्यवसाय करने की एक स्वतंत्रता हो, पूंजी के जो से साहूकारों के भीतर न रहना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था हो, तो परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को लागू करके हम कार्य करेंगे तो भाइयों बहनों व्यापक पैमाने पर कार्य हो सकता है, रोजगार का सृजन हो सकता है और उस रोजगार सृजन के समय जो कार्य प्रारंभ हुए हैं बुंदेलखंड को उसका उदाहरण बनाना। बुंदेलखंड में महिला स्वयंसेवी समूह में बनेगी मिल्क प्रोड्यूसर जैसी संस्थाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी झांसी की उस बेटी की तारीफ करते हैं, इस बात को बताती है कि अपूर्व संभावना वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड और झांसी का है उसका हृदय स्थल। झांसी जिस झांसी ने देश की आजादी के लिए महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए उस समय अपने आप को बलिदान किया था, महारानी लक्ष्मी बाई के उस पराक्रम को कौन भारतीय भुला सकता है। मातृभूमि के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई और उनके योद्धाओं के द्वारा लड़ा गया 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर उसकी यादों को आज भी ताजा कराता है। उनका शौर्य उनका पराक्रम झांसी की माटी के एक एक कण को तीर्थ बना देता है और हर भारतवासी और बस ही इस वीरांगना की इस धरती को नमन करने के लिए यहां आने के मुकाबला दिखाई देता है। भाइयों बहनों अनेक संभावनाओं से युक्त है हमारा बुंदेलखंड। पिछली सरकारों की बदनीयति, पिछली सरकारों की भ्रष्ट नीति, परिवारवाद की नीति के कारण बुंदेलखंड बदहाल था, लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं बुंदेलखंड बदहाल नहीं हो सकता। बुंदेलखंड की असीम संभावनाओं को हमारे माननीय सांसद विधायक जनप्रतिनिधिगण शासन के संज्ञान में प्रशासन के सहयोग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और ये संभावनाएं उभर रही है। नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन और अपनी अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कोई सोचता था कि शहरी क्षेत्र में भी गरीबों के लिए आवास की सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन भाइयों बहनों आज न केवल गरीबों के लिए आवास की सुविधा बल्कि जिस गरीब के पास शौचालय नहीं था खुले में शौच करता था उस हर परिवार को भी एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कर दिया गया है। कोई सोचता था फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा, कोई सोचता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी तकनीक का उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक। धन्यवाद, आप हार मान रहे हैं। इस कॉफी झांसी की धरती शौर्य वीरता और बलिदान की कहानी कहती है। इसके विभिन्न पर्यटन स्थल, इसके किले और इसकी कला का इसमें उल्लेख किया गया है। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का
आप सब की ओर से मुझको स्वागत करने का ये मौका मिला है। आदरणीय महाराज जी, आपको पूरी झांसी की जनता की ओर से प्रणाम। हमारे सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश द्विवेदी जी, केंद्र में राज्य मंत्री और लोकप्रिय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी, यहाँ पे झांसी सदर के विधायक श्री रवि शर्मा जी, रवीना विधायक श्री राजीव सिंह बारीचा जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, झांसी के यशस्वी और लोकप्रिय महापौर श्री राम तीर्थ सिंगल जी, मेरे अनुज पवन गौतम जी, सम्मानित मंच, विशेष रूप से क्योंकि आज प्रबुद्ध सम्मेलन है, मैं मुख्यमंत्री जी को पूरे बुंदेलखंड के वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाह रहा था। आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान हुआ, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए इस ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना, जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती है उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है, और भाइयों बहनों दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहनों और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये तो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे होंगे ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। एक भी माफिया कहीं भी छुपा होगा, कोई माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद शनराग शर्मा जी, महापौर श्री राम तीर्थ सिंगल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, मान्य विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीसा जी,
श्री जवाहरलाल राजपूत जी, विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद त्रिवेदी जी, संत विलास शिवहरी जी, मुकेश शर्मा जी, जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित झांसी के हमारे सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपके साथ संवाद करने का अवसर यहां नहीं प्राप्त हो पाया था। विधानसभा चुनाव में आप सबने, झांसी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं इसके लिए पूरे झांसी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप सबको 322 श्री महेश, श्री बालकिशन, श्रीमती सावित्री और श्रीमती सुनीता, प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु 3 किस्तों में कुल 2,50,000 की धनराशि उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे लाभार्थी ने अपना आवास बनवाया है तथा परिवार सहित निवास रत है। जनपद में योजना आरंभ से अब तक कुल 26,747 लोगों को आच्छादित किया जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्रीमती रेखा, श्री वीरपाल, श्री मिथुन राय, सुश्री अनीस आपली और श्रीमती हरवा रायकवार, सुश्री अनीशा आपली और श्रीमती हरवा रायकवार। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 138 लाभार्थी हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ हमारे बते हैं, श्रीमती पूजा बुंदेला, लाभार्थी श्रीमती पूजा बुंदेला, आपको माननीय जी के शिव कदमों से चेक। श्री पंकज करौसिया शर्मा, बहुत सारी शुभकामनाएं। और